हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सीधे ही आपको मैं आपके कंटेंट पे ले आता हूँ जो मुझे आपको आज बताना है, ठीक है। तो बच्चे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं स्टडी कैंपस के नाम से, ठीक है। स्टडी कैंपस नाम से आपको हमारा नया ऐप मिलेगा जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अब जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड कैसे करना है, यूज कैसे करना है, और उसके साथ साथ आपको एक मैथ का बैच भी दिया जा रहा है, ठीक है, उसी के बारे में आज आपको जानकारी हमें देनी है, ठीक। तो ऐप का नाम है स्टडी कैंपस, और उसके साथ साथ मैथ का एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो मैथ में वो सभी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बताएंगे कि उस मैथ के क्लास में क्या क्या मिलेगा आपको, ऐप कैसे यूज करना है, उसकी फ़ीस कितनी होगी, कैसे आपको प्रोमो कोड लगाना है, सब मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ऐप की, ठीक है। तो ऐप आपको प्ले स्टोर पर स्टडी कैंपस नाम से मिलेगा, जो कि मैं अभी लास्ट में आपको डाउनलोड करके और कौन सा ऐप है ये बताऊंगा, ठीक है। प्राइसिंग की बात आप देख रहे होंगे, इसको क्या एक्सप्लेन करना है बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आते हैं कंटेंट पे, ठीक है। कंटेंट में बच्चों, जो मैथ का हमारा ऑनलाइन बैच है, वो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे आपका SSC हो गया, रेलवे हो गया, आप लेखपाल के एग्ज़ाम्स देते होंगे, टेट, सुपर टेट, ठीक है, और अन्य अभी आपके सामने UPPET का पेपर आने वाला है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक अलग क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सारे ही वो क्वेश्चन कवर होंगे जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पता है बच्चों आपको, ये हमारा पहला ऑनलाइन बैच है, तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ नहीं होती है तो उसमें एफर्ट हर व्यक्ति अपना 100% डालता है। तो ये कोर्स ऐसा होगा कि जिसके बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अब इसमें कंटेंट में पहली बात तो है कि फुल एफर्ट रहेगा हमारी तरफ से, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी पूरी शिद्दत के साथ, और बेसिक टू एडवांस। आपने क्या देखा हो यहाँ पे, बेसिक टू एडवांस। अब बेसिक टू एडवांस का मतलब क्या है और कंप्लीट मैथ का मतलब क्या है? कंप्लीट मैथ का मतलब ऐसा नहीं कि आपको अरिथमेटिक पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट मैथ का मतलब ये हो गया कि आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ की ज़रूरत है वो सभी चीज़ें इस क्लास में कवर की जाएंगी, ठीक है। मतलब कि जैसे प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बाद परसेंटेज, रेशियो, ये सारी चीज़ें, फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। बेसिक टू एडवांस, बेसिक्स का क्या मतलब है इसमें? जैसे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है। बेसिक्स का प्रॉब्लम का मतलब, अगर किसी को 1/2 लिख दिया जाए, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1/2 का मतलब ही नहीं पता कि 1/2 आखिर में होता क्या है, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको गुणा करने या भाग करने नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिक्कत होता है उनको, ठीक है, डेसिमल में प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स में पहले ही दूर कर लेंगे ताकि बच्चे को आगे प्रॉब्लम ही ना हो। अब अगर कोई वैसा बच्चा है जिसको बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है, उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब कि जोड़ और घटाना ही नहीं आ रहा है, तो वो आगे चल के ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएगा? तो उस बात को ध्यान में रखते हुए पहले के जो 7-8 क्लासेस होंगे वो बेसिक्स को लेके होंगी। तो ये उन बच्चों के लिए विशेष कर फायदेमंद देगा जो बेसिक्स है हमारा, जो बच्चे बिल्कुल ही लो लेवल अपने आप को समझते हैं या फिर जिन्हें लगता है कि हाँ हमें शुरू से मैथ पढ़ना है, ठीक है। एडवांस की बात करते हैं। एडवांस का मतलब, आपको जैसे कि पता है कि आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। लेवल पहले जैसा नहीं रहा है कि मतलब कि पहले एक एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आता था, ठीक है, अब कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं होता है। अब उसमें ज़्यादातर आपको बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम बेसिक से लेके एडवांस मतलब आसान से लेके कठिन की ओर क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये पहला बात हो गई आपके लिए। दूसरी बात है, बेसिक्स ख़त्म करेंगे पहले, फिर अरिथमेटिक, फिर एडवांस की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है। जैसे भी सेटिंग हो पाएगा हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर्स अरिथमेटिक के, फिर कुछ एडवांस मैथ के लेके चलते रहेंगे, ठीक है। क्लास क्वेश्चन का PDF आपको मिलेगा, मतलब कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास में, ठीक है, उसकी PDF आपको पहले ही मिल जाएगी। आप PDF का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे
और उसके बाद मैं क्वेश्चन यहाँ पे नंबरिंग से कराते चलूँगा और आप उसे करते चलेंगे। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मुझे कराना होगा तो मैं उसे बोर्ड पे लिख करके या पहले ही बोल के लिखवा दूँगा, उसके बाद मैं उसे बोर्ड पे सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। फिर जब भी कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट देंगे आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, तो नंबर सिस्टम के 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो ऑनलाइन क्लास प्लस ऑफलाइन असिस्टेंस की सुविधा भी आपके पास है। ऑनलाइन क्लास तो आप ले ही रहे हैं, अगर कोई डाउट अराइज होता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम ऑफलाइन असिस्टेंस की भी व्यवस्था रख रहे हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आप आसपास के क्षेत्रों से हैं, ठीक है, जहाँ से आप सेंटर तक हमारे पहुँच सकते हैं, तो आप आ करके अगर कोई डाउट होता है तो हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास का डाउट तो रखेंगे, लेकिन अगर आपको फर्दर कोई डाउट आता है, अगर आपको ऑनलाइन क्लियर नहीं हो पा रहा कोई डाउट, तो आप ऑफलाइन मतलब कि सेंटर पे भी आके मुझसे समझ सकते हैं कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बच्चे ये सारे कंटेंट आपके मैथ के उस बैच में मिल रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों देखिए, कभी भी कोई भी शुरुआत की जाती है तो बिल्कुल जीरो लेवल से की जाती है, ठीक है। तो वही शुरुआत हम करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जीरो से लेके आपको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐप के ऊपर। ऐप में आपको स्टडी कैंपस प्ले स्टोर पर सर्च करना है, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। कोर्स फ़ी की बात कर लेते हैं बच्चों, तो कोर्स फ़ी बच्चों बहुत ही कम रखा गया है, जितना आप उसका एफोर्ड कर पाए आराम से। कम्प्लीट मैथ बच्चे कम से कम 6 से 7 महीने का कम्प्लीट कोर्स होता है, उसके लिए आपको चार्ज रखा गया है केवल 599 रुपीज़, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी ये ऐप लॉन्च ऑफर चल रहा है, हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा लो रखा गया है। आपको अभी ये फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, 599 रुपये आपको नहीं पेमेंट करना है, आपको पे करना है केवल 299। पहले कुछ बच्चों के लिए हमारे पास ऑफ़र है, ठीक है, और पहले कुछ बच्चों के 299 रुपये का ये कोर्स पड़ेगा, ठीक है। कैसे पड़ेगा, आप जब हमारा कोर्स खरीदने के लिए आएंगे हमारे ऐप पे, तो आपको कूपन कोड दिखाई देगा फर्स्ट बैच नाम से कूपन कोड, बीच में कोई भी यहाँ पे गैप नहीं है, फर्स्ट बैच एक ही में है पूरा, तो आपको वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। बस आप उसको टैप करेंगे तो तुरंत वो 599 रुपये कट के कितना हो जाएगा, 299 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 50% का टोटल ऑफ चल रहा है, मात्र कुछ दिनों के बाद ये फीस फिर से इतनी 99 हो जाएगी, ये प्रोमो कोड हट जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगेगी, ठीक है। 6 से 7 महीने के कोर्स के लिए आप इतना रुपये पेमेंट कर सकते हैं। आप कहीं भी अपने दोस्तों के साथ जाते होंगे तो 299 रुपये आराम से खर्च कर देते होंगे, ठीक है। तो उतने में अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए कोई मैथ का अच्छा सा कोर्स मिल रहा है तो आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा बैच कैसे हमारा ऐप कैसे डाउनलोड होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा अपने, ठीक है बच्चों, आपका प्ले स्टोर खुल चुका है। आप जब अपना बच्चे प्ले स्टोर खोलेंगे तो उसमें आपको सर्च करना है स्टडी कैंपस। क्या सर्च करेंगे, STUDY CAMPUS, स्टडी कैंपस, ठीक है। आप उसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको बहुत सारे स्टडी कैंपस के ऐप दिख सकते हैं, लेकिन आपको ये जो दिख रहा है जो इसमें पत्ती लगी हुई है रेड कलर का सर्किल बना हुआ है, वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो मैंने इसमें तो पहले से ही लॉगिन कर रखा है, तो आपको अपना नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। नंबर डालते ही आपके पास एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, वो OTP आपको भर के साइन अप कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप अपने ऐप के अंदर आएंगे तो जैसे आपको यहाँ पे मैथ स्पेशल बैच दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, वैसे ही दिखाई देगा। अगर आपको ये आपके होम पेज पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर ये आपको होम पेज पे नहीं दिख रहा है तो नीचे बहुत सारे टैब दिख रहे हैं जिसमें होम है, बैचेज है, स्टोर है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप स्टोर पे चले जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाई देता है तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, स्टोर टैब पे चले जाएंगे। स्टोर टैब पे जाने के बाद आपको अपना मैथ का स्पेशल बैच दिख जाएगा, ठीक है। आप इसे डाउनलोड करेंगे, स्पेशल बैच दिख जाएगा, आप इसे टैप करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा ओपन होके आ जाएगा। कंटेंट इसमें आप देखेंगे तो कंटेंट भी 3-4 कंटेंट आपको अभी दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये लॉक्ड है क्योंकि आपने अभी बैच परचेज नहीं किया है, ठीक।
तो जब आप इसे परचेज करने जाएंगे तो सबसे नीचे आपको पहले इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, 599 रुपीज़ का आपको ये बैच दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे आएंगे, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं क्या क्या चीज़ आपको इसके अंदर मिलेंगी। फिर जैसे फर्स्ट बैच का अवेलेबल ऑफर्स आपको दिख रहा होगा, अवेलेबल ऑफर्स फर्स्ट बैच का, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जब क्लिक करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो 599 रुपये का बैच दिख रहा था वो अब कितने का दिखने का लग जाएगा, 299 रुपीज़ का, ठीक है। फिर जब आप इसे बाई नाउ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट स्टेट करना पड़ेगा, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आप यूपी से होंगे तो आप यूपी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन जब करेंगे यहाँ पे तो आपको बाई नाउ करना होगा। इसके बाद जब आप इसे बाई नाउ करेंगे तो ये आपके पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा कि आप किस हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, कोई भी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं जो आपका पास हो, नहीं भी है तो भी कुछ भी आप डाल के @gmail.com करके भी कर सकते हैं, gmail.com, ठीक है। बच्चों अगर आप ईमेल डालते हैं तो आपके पास एक एडिशनल सिक्योरिटी आ जाती है कि मान लीजिए बाद में कभी आप फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं या फिर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो रिकवर करने में काम कर सकता है। तो अगर आपके पास एक जेन्युइन ईमेल आईडी है तो आप उसे पुट कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी साइनअप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड करेंगे फिर आपको आपके ये पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप पेमेंट करेंगे, तुरंत आपका जो वो बैच है वो परचेज्ड बैच में चेंज हो जाएगा और आपको क्लासेस वहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो ये जो बैच है बच्चों वो 25 तारीख से अपने इफेक्ट में आ जाएगा, वो चलने लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो मैंने आपको बताया है आपको समझ में भी आई होंगी और आप इसे ज़रूर परचेज करेंगे और अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे होगी, तो मैं आपको फिर से आंसर कर दूंगा उसका। चलिए बच्चों, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और हम मिलके कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।